नमस्कार दोस्तों, लाइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको होंडा एक्टिवा का स्पार्क प्लग कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा। तो पहले आपको सीट के नीचे तीन बोल्ट रहते हैं वो निकाल के पूरा सेक्शन ऐसे ऊपर निकालना है। ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, आप चाहे तो उधर जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा। तो इधर आप देख सकते हैं होंडा एक्टिवा का स्पार्क प्लग इधर है, वो बहुत ही टाइट स्पेस में स्पार्क प्लग दिया हुआ है। तो पहले आपको ये स्पार्क प्लग का सॉकेट जो है वो छोड़ देना है। तो ये निकला मेरा सॉकेट बाहर, तो वो छोड़ने के बाद आपको आपके बाइक में स्पार्क प्लग का सॉकेट मिला रहेगा, वो लेके आपको ऐसे अंदर डालना है और बाद में पाना लेके इसको घुमाना है। तो अभी इधर प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही कम जगह मिलता है होंडा एक्टिवा में ये निकालने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको निकालना पड़ता है। थोड़ा लूज करने के बाद आप हाथ से घुमा सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा ही टाइम के बाद आप ये स्पार्क प्लग निकाल रहे हो तो थोड़ा पाना लेके आपको पहले लूज़ करना पड़ेगा। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा स्पार्क प्लग लूज़ हो गया है, अब मैं इसको हाथ से ही निकाल सकता हूँ ऐसे घुमा घुमा के। तो ये निकल गया मेरा स्पार्क प्लग बाहर, तो आप चाहे तो इसको क्लीन करके वापस डाल सकते हैं या नया स्पार्क प्लग डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं मैं लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।